हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि इग्नू स्टूडेंट्स के लिए एक जरूर बुरी खबर है, और ये न्यूज़ है कि हज़ारों स्टूडेंट्स का असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया गया है। इग्नू ने हाल फिलहाल में बहुत सारे रीजनल सेंटर्स के असाइनमेंट्स के लिस्ट जारी की है, जो कि रिजेक्ट किए गए हैं। असाइनमेंट्स उनकी लिस्ट है, तो ये रिजेक्शन आखिर क्यों हुआ और कहीं आपका असाइनमेंट भी तो रिजेक्ट नहीं हो गया, इस बात को जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इग्नू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ पाने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, ये नए स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो यूजफुल है, क्योंकि अब आपको भी अपने असाइनमेंट सितंबर में सबमिट करने हैं, तो आप इन गलतियों को मत दोहराइएगा, वरना आपके भी असाइनमेंट्स को रिजेक्ट किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि ये हम जो बात कर रहे हैं, ये ऑनलाइन असाइनमेंट जो सबमिट हुए थे उनकी बात कर रहे हैं, जो जुलाई 2019 के सेशन के स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने अपने असाइनमेंट्स को ऑनलाइन सबमिट किया था। तो ये आपने मेल के थ्रू और गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट किया था। अब आपको लगेगा कि सर, हमने तो प्रॉपर तरीके से सेंड किया, फिर कौन से रीजंस है जिसकी वजह से हमारा असाइनमेंट्स रिजेक्ट हुआ होगा। तो देखिए, इग्नू ने जो मेजर रीजंस बताए हैं रिजेक्शन के, वो कुछ इस प्रकार के हैं, क्योंकि आपने क्या है, टर्म एंड कंडीशन जो इग्नू की तरफ से नोटिफिकेशन गाइडेंस दी गई थी, उसको आपने सही से नहीं पढ़ा। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही था कि आपको असाइनमेंट्स में फ्रंट पेज को लगाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये मिस्टेक किया कि आपने फ्रंट पेज लगाया ही नहीं है, डायरेक्ट स्कैन करके उसको मेल कर दिया गया। और यदि आपने भी ऐसा किया है तो वो 100% रिजेक्ट होगा, क्योंकि इग्नू को आपकी आइडेंटिटी नहीं मिल पाएगी कि किस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपका क्या नाम है, आपका क्या इनरोलमेंट नंबर है, स्टडी सेंटर क्या है, कुछ भी डिटेल इग्नू तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये एक मेजर रीजन है रिजेक्शन का। सेकंड आपका रीजन है, इग्नू के बहुत सारे रीजनल सेंटर ने ये कहा था कि आपको असाइनमेंट्स के हर पेज पे अपना नेम, इनरोलमेंट नंबर और सिग्नेचर करना है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स पे मिसिंग थे। तो ये भी एक रीजन बताया इग्नू ने, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स को रिजेक्ट किया गया है। देखिए, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया था कि सिर्फ नेम या फिर इनरोलमेंट नंबर लिख दिया था, तो वहां तक तो फिर भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने फ्रंट पेज लगाया था तो उनकी फ्रंट पेज में सारी डिटेल थी। इसके अलावा हर पेज पे उन्होंने नेम लिख दिया था या फिर इनरोलमेंट नंबर लिख दिया था तो चल जाएगा, लेकिन इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं लिखी, तो उनके लिए ये थोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। सेकंड और माफ कीजिएगा, यहाँ थर्ड रीजन जो है कि आपने रॉन्ग जीमेल आईडी पे सेंड कर दिया। डेडिकेटेड जीमेल आईडी बनाए गए थे जिसपे आपको जो है अपने असाइनमेंट्स को मेल करना था, आपने उस मेल की बजाय क्या किया कि जो भी उस रीजनल सेंटर का कॉमन जो मेल आईडी है, जिसपे हम नॉर्मली कोई भी इंक्वायरी करते हैं मेल करके, आपने उस पे सेंड कर दिया था। तो ये भी एक रिजेक्शन का रीजन है। और एक और रीजन ये था कि सबमिट ऑन रॉन्ग रीजनल सेंटर। देखिए, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये हालांकि होना नहीं चाहिए, ये कुछ मात्रा में स्टूडेंट्स ने किया है कि आप जो है अगर दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए रीजनल सेंटर 2 के 3 के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे रीजनल सेंटर 1 पे सेंड कर दिया गया है, तो वो भी कम्प्लीटली आपका रिजेक्ट हो गया होगा। डिफरेंट हैंडराइटिंग भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है। देखिए, ये इशू सभी के साथ नहीं हुआ। देखिए, असाइनमेंट्स मान लीजिए आप बीए के स्टूडेंट्स हैं, तो 8 सब्जेक्ट होंगे आपके बीए जी में, तो 8 में से यदि आपके मान लीजिए हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट्स अलग अलग हैंडराइटिंग है, तब दिक्कत हो सकती है, और खासतौर पे तब जब एक ही असाइनमेंट्स में दो जने ने लिखा है। मान लीजिए आपका एक बीपीएससी 131 का असाइनमेंट है, उसी में 2 या 3 हैंडराइटिंग हो गई है, तब रिजेक्शन हुआ है। अदरवाइज अगर 8 असाइनमेंट्स में से आपके 1-2 अलग अलग हैंडराइटिंग है, तब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इतना पकड़ में इग्नू के नहीं आता, और वो सभी स्टूडेंट्स को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनका एक ही असाइनमेंट्स में 3 से 4 हैंडराइटिंग कर दिया है, उनके लिए थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। सबसे लास्ट जो रीज़न रहा, और ये सबसे बड़ा रीज़न रहा है, कि डुप्लीकेसी बहुत फाउंड की गई, कि आपने क्या किया कि एक ही असाइनमेंट्स को फ्रंट पे चेंज कर करके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सेंड कर दिया, और जब इग्नू ने मैच किया तो उनको ये डुप्लीकेसी फाउंड हुई, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स का असाइनमेंट जो है रिजेक्ट किया जा चुका है। अब लिस्ट के लिए आप रीजनल सेंटर की अपनी वेबसाइट्स पर जाएंगे, वहाँ पर जो है काफ़ी रीजनल सेंटर्स ने जो है अपलोड कर दिए हैं जिनका रिजेक्ट हो गया है, तो आप अपने रीजनल सेंटर के वेबसाइट्स पे जाके इस डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। और आपको अभी पैनिक नहीं करना है, अभी थोड़ा वेट करना है, जब असाइनमेंट्स के मार्क्स अपडेट होना शुरू हो जाएगा, तब आपको फाइनली पता चल पाएगा कि हमारे रिजेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर लिस्ट में आपका नाम है रिजेक्शन के लिए, फिर तो आपके लिए टेंशन वाली बात होगी, आपको फिर से हो सकता है असाइनमेंट सबमिट करना होगा। लेकिन अगर आपका लिस्ट में भी नाम शो नहीं कर रहा है, तो आप पैनिक क्रिएट ना करें, अभी वेट करें, जब मार्क्स अपडेट हो जाएंगे तो आप उसके देखने के बाद ही कोई एक्शन लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।